हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल। वेलकम इन मैथ स्पिरिट। ओके, आर यू रेडी विद द टेक्स्ट बुक एंड पेंसिल? यस, आई होप यू आर रेडी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। वी हैव टू स्टार्ट। Okay, there are so many problems in math lesson. Okay, word problem are there, subtractions are there, regrouping are there. So that is why we have to utilize our time. Okay, so without wasting time, we are going to start. Okay, which lesson is going on? 54 page number was going on. Subject Math. Page number 54. Okay, page number 54. What is given on 54 page number? It's the information. It's the information about how we have to solve word problem. हमने इसके पहले भी word problem solve किए हैं, but solve करने से पहले उसके steps कौन से एक बार recall कर लेंगे, उसके बाद हम जो page number 55 पे word problem दिए वो solve करेंगे. Got it? Yes, so let's start. You have to put the finger on the line while I'm reading. 54 page number, word problem. Do you remember the steps to solve word problem? Have you remembered? Yes, you must remember. Step number one. Read the question two times. Whatever question is there, you have to read that question two times. How many times? Two times. इट्स ओके, अगर एक ही बार में आपको समझ में आ गया कि उसमें क्या करना है, विच ऑपरेशन यू हैव टू डू, प्लस और माइनस, तो आप एक बार भी पढ़ सकते हैं, बट इट्स बेटर टू रीड टू टाइम्स। वाई टू टाइम्स? बिकॉज एक बार आपको उसका मीनिंग समझना है और दूसरे स्टेप में उसमें क्या करना है, प्लस करना है कि माइनस करना है, वो समझ लेना है, इसलिए आपको दो टाइम पढ़ना है। स्टेप नंबर टू, अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। उसमें जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताई है वो आपको अंडरलाइन करना है। स्टेप नंबर थ्री, व्हाट डू वी हैव टू डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, क्या करना है, प्लस और माइनस, ऐड और सब्ट्रैक्ट। ऐड मीन्स प्लस, सब्ट्रैक्ट मीन्स माइनस। स्टेप नंबर फोर, सॉल्व द प्रॉब्लम। उसके बाद आपको पता चल गया कि प्लस करना है कि माइनस करना है, so you have to solve that problem. Okay, step number 5, check your answer. आपने पूरा आंसर निकालने के बाद एक बार उसको चेक करना है कि हाँ ये आंसर राइट है या रॉन्ग है। सो अप टू गॉट इट? यहाँ तक आपको समझ में आया होगा? यस, डेफिनेटली आया है, क्योंकि वी आर रिपीटिंग दिस पॉइंट मोर देन थ्री टाइम्स। हमने पहले भी ये तीन टाइम किया एक्सप्लेन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वी आर गोइंग टू टेक वन प्रॉब्लम, पेज नंबर 54। Asif has, yes, 54. Asif has 14 dinky cars and 12 stuffed toys. उसके पास कार कितनी है? 14. How many cars? 14. While you are reading the example, you have to underline the main part of that sentence. Main part means how many dinky cars? 14. 14 के नीचे underline करो. 14 dinky car. कार्स कितनी है? 14, अंडरलाइन करो। एंड 12 स्टफ टॉयज। टॉयज कितने हैं स्टफ? 12। 12 के नीचे भी अंडरलाइन करो। हाउ मेनी मोर डिंकी कार्स देन स्टफ टॉयज डज आशिफ हैव। मतलब उसके पास कार ज्यादा है कि टॉयज ज्यादा है? अगर कार ज्यादा है तो कितने कार ज्यादा है टॉयज के कंपैरिजन में, ये आपको पता करना है। सो स्टेप नंबर वन, रीड द क्वेश्चन ट्वाइस। ट्वाइस मतलब दो बार। क्या आपने दो बार क्वेश्चन को पढ़ा? नहीं पढ़ा, अभी तक तो एक ही बार पढ़ा। लेट्स स्टार्ट टू टाइम। आसिफ हैज 14 डिंकी कार्स। हाउ मेनी डिंकी कार्स? 14, राइट हियर। लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी रिटन ऑन द टेक्स्ट बुक। कितने हैं डिंकी कार? 14, यस। एंड 12 स्टफ टॉयज। हाउ मेनी स्टफ टॉयज आर देयर? 12। 12 क्या है? स्टफ टॉयज है। हाउ मेनी मोर डिंकी कार्स देन स्टफ टॉयज Does Asif have? समझ रहे हैं क्या करना है? Yes, you have to do minus. यहाँ पे आपके क्लिक हो गया कि माइनस करना है।
अगर कौन सी चीज ज्यादा है पता करने के लिए कि यू हैव टू ऑलवेज डू माइनस सबट्रैक्शन. सो स्टेप नंबर 4, यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम सॉल्व किया, आंसर आए 2, क्योंकि 14 माइनस 12 इज इक्वल टू 2. सो असिफ हैज टू डिंकी कार मोर देन स्टफ टॉयज. टॉयज के तुलना में, टॉयज के कंपैरिजन में, टॉयज से ज्यादा उसके पास कार है. और कितने ज्यादा है? 2. 2 कार्स आर मोर देन टॉयज. गॉट इट? यहां तक समझ में आ गया? सो दिस वे पेज नंबर 54 इज कंप्लीटेड. ओके, दिस इज कंप्लीटेड. नाउ स्टार्ट दिस. सो लर्निंग बाय डूइंग एनरिचमेंट एक्टिविटीज द प्रोजेक्ट बेस्ट. सो ये जो रहता है ना, ये आपके एंजॉयमेंट के लिए रहता है. लर्निंग बाय डूइंग मतलब आप वो करते करते सीखना है. सो ये आप होमवर्क में कर सकते हैं, इट्स वेरी वेरी इजी. और क्या करना है, अगर आपको ऐड करना है तो आप वहाँ पे एप्पल निकालो, अगर माइनस करना है तो आपको वहाँ पे मैंगो निकालना पड़ेगा. इट्स अ क्वाइट एंजॉयमेंट एक्टिविटी, इट्स अ फन एक्टिविटी. सो यू कैन डू इन होमवर्क. ओके, दिस यू कैन डू इन होमवर्क. मैथ, पेज नंबर 55. ओके, 55 पे जो लर्निंग बाय डूइंग है ना, एंड ये एनरिचमेंट एक्टिविटी, ये आपको करना है. इट्स वेरी वेरी इजी एंड यू हैव टू ड्रॉ दैट एप्पल एंड मैंगो ऑल्सो. तो आपको ड्राइंग करने में भी मजा आएगा. ड्राइंग करना है, एप्पल निकालना है ऐड के लिए, माइनस के लिए मैंगो निकालना है, फिर उसको कलर भी करना है. सो दिस वे यू विल हैव फन. देन आई एम गोइंग टू टीच यू नाउ एक्सरसाइज 3.5. What I am going to teach you now, 55 page number, exercise 3.5. Got it? 3.5. Today we are going to solve this word problem. Now, what is this word problem? 1. कौन सा है ये? 1 number का है. Goldilocks saw 18 flowers in the forest. Goldie ने कितने flowers देखे? 18 in the forest. कहाँ देखे? Forest में देखे. Of them, मतलब out of 18, 9 flowers were pink. 18 flowers Goldilocks ने देखे थे forest में. और उसमें से 9 क्या है? Pink है. मतलब 18 flowers out of 9 are pink. Okay, how many flowers were not pink? 8 में से 9 पिंक है. अब कितने पिंक नहीं है ये पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस. यू आर राइट. यू हैव टू डू सिंपली सब्ट्रैक्शन. व्हाई सब्ट्रैक्शन? बिकॉज यू अंडरस्टूड, बिकॉज यू रीड दैट वर्ड प्रॉब्लम ट्वाइस. आपने वर्ड प्रॉब्लम 2 बार पढ़ा है तो आपको उसका मीनिंग समझ में आया कि क्या बोलना चाह रहे. ये बोलना चाह रहे कि फॉरेस्ट में गोल्डिलॉक्स ने एक प्लांट देखा जिसको 18 फ्लावर थे और उसमें से 9 क्या थे? पिंक. तो कितने फ्लावर पिंक नहीं है पता करने के लिए ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस. सो लेट्स स्टार्ट. 18 ये क्या है? 18 बेटा टोटल फ्लावर्स. ये क्या है? टोटल फ्लावर्स है. देन आउट ऑफ 18, 9 आर पिंक फ्लावर्स. 9 क्या है? पिंक फ्लावर है. आउट ऑफ 18, 9 वेयर पिंक फ्लावर. व्हाट वी हैव टू डू? अभी हमें क्या निकालना है? नॉन पिंक फ्लावर, मतलब जो फ्लावर पिंक कलर के नहीं है वो हम बाद में लिखेंगे, पहले आंसर निकालेंगे. ओके, सो 18 माइनस 9 मीन्स 18. 8 माइनस 9 इज पॉसिबल? नो, यू हैव टू कट दिस 8, टेक 1 कैरी. गॉट इट? यू हैव लर्न दिस इन लास्ट 2 पीरियड ऑल्सो. ओके, सो 18 माइनस 9, 9, बिकॉज 9 टू 18.
So 18 minus 9 is equal to 9. Then you have to return this 1. 1 minus 1 is equal to 0. यहाँ पे कोई नंबर नहीं, जीरो दे दो या फिर जीरो के जीरो वैसा के वैसा आप लिख दो. सो 18 माइनस 9 इज इक्वल टू 9. सो 9 आर 9 फ्लावर्स आर नॉट पिंक. बट आपको वहां पे प्रेजेंट टेंस बोला है, वेयर सब वर्ड यूज किया है तो आपको वेयर ही करना पड़ेगा. 9 फ्लावर्स वेयर नॉट पिंक. आई बात समझ में? आप यहाँ पे शॉर्ट करके उसको नॉन फ्लावर भी लिख सकते हैं, सॉरी नॉन पिंक भी लिख सकते हैं. अगर आपको ये बड़ा लग रहा है तो आप नोटबुक में ऐसे ऐसे लिखना, ये पिंक, इसके नीचे लाइन खींच के, हाउ मेनी टोटल फ्लावर्स आर देयर, 18, आउट ऑफ 18 9 वेयर पिंक फ्लावर्स एंड 9 आर नॉन पिंक फ्लावर. नॉन मतलब जो पिंक नहीं है, वो हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं. जो पहले लिखा था वो लॉन्ग में लिखा था, नॉन पिंक फ्लावर्स. ये जो है वो पिंक कलर के नहीं है, ये नॉन पिंक है. ओके, मतलब ये दूसरे कलर के है. इन अदर वर्ड यू कैन से देयर आर डिफरेंट कलर. सो दिस वे आपको नीचे आंसर क्या लिखना है, 9 flowers were not pink. कि 9 जो है वो पिंक कलर के नहीं थे. गॉट इट? सो दिस वे वी हैव टू फाइंड आवर आंसर. गॉट इट? सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे आप ऐसे करके लिख सकते हो. सेकेंड प्रॉब्लम, I'm going to rub this. You have to pause the video and you have to complete this in your copy. Sorry, in textbook or copy you have to write this. Obviously, you have to write this in your copy because in textbook there is no space for writing all these things. So you have to write this in your copy only. Copy means notebook. आपको ये जो problem है board पे सिखा रही हूँ, और ये कैसे लिखना है? ये जो मैंने सीखा है उतना ही नहीं लिखना है. डोंट फॉरगेट टू राइट क्वेश्चंस. ओके, एंड क्वेश्चंस यू हैव टू राइट फ्रॉम टेक्स्ट बुक. गॉट इट? फ्रॉम वेयर यू हैव टू राइट क्वेश्चन? कॉपी में मैं जिस दिन पढ़ा रही हूँ उस दिन डेट डालना है. एक्सरसाइज 3.5 ये हेडिंग देना है, ये भी हेडिंग देना है, सॉल्व दिस वर्ड प्रॉब्लम एंड देन यू हैव टू स्टार्ट वर्ड प्रॉब्लम. समझो आपने गोल्डन क्लॉक का परफेक्ट वर्ड लिख लिया. ये लिखने के बाद आपको जो मैंने अभी समझाया था ना, वो लिखना है और लाइन लिखना है. इसके बाद आपको सेकेंड प्रॉब्लम लिखना है बुक में से देख के, कॉपी में, नोटबुक में, और उसके नीचे आंसर जो मैं बोर्ड पे लिख के दूंगी वो लिखना है. आई बात समझ में? मैं जितना लिख के दे रही हूँ उतना ही नहीं लिखना. पहले आपको नोटबुक में जो बुक में क्वेश्चन दिया है पहले क्वेश्चन लिखना पड़ेगा. आई बात समझ में? ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम. ओके, so I'm going to read, you have to put finger on the line. Neera watched Discovery for 30 minutes. Neera ne Discovery jo padha, wo kitne minute tak padha? 30 minute tak padha. Then she watched The Jungle Book on HBO. Uske baad usne Jungle Book padha. Sorry, Jungle Book dekha. Kahan pe dekha? HBO channel pe dekha. If she watched television for 85 years, अगर उसने टोटल मिला के 85 मिनट्स टीवी देखा, सो हाउ लॉन्ग डिड शी वॉच द जंगल बुक? तो उसने जंगल बुक कितने मिनट तक देखा? आपको क्या बताया है बेटा, यू हैव टू फोकस ऑन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. एंड व्हाट आर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स? फर्स्ट पॉइंट इज कि उसने 30 मिनट के लिए डिस्कवरी देखा. इज इट क्लियर? यस, 30 मिनट चले गए. देन शी वॉच द जंगल बुक ऑन HBO. उसने जंगल बुक देखा उसके बाद HBO पे, बट ये पता नहीं है कि कितने मिनट तक देखा, बट ये पता है कि इसने टोटल कितने मिनट तक टीवी देखा. सो 85 मिनट तक देखा. सो वी हैव टू डू माइनस, वी हैव टू डू सब्ट्रैक्शन टू नो द नंबर ऑफ टोटल वॉचिंग दैट टीवी. ओके, सो टोटल टाइम वी हैव टू काउंट. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया, आपने क्वेश्चन लिखा यहाँ से और जो मैंने आंसर बताया वो लिखा.
अभी आप बुक में से क्वेश्चन देख के लिखना है, उसके बाद जो मैं बोर्ड पे आंसर लिख के दे रही हूँ वो आपको वैसे के वैसे सॉल्व करना है. सो आंसर, सेकेंड आंसर, लेट्स स्टार्ट. डिस्कवरी फॉर 30 मिनट्स एंड टोटल 85. सो बिगर नंबर वी हैव टू टेक अप साइड. सो 85 टोटल टाइम क्या है, ये टोटल टाइम है कि उसने इतने घंटे देखा, इतने मिनट देखा. टोटल टाइम ऑफ वॉचिंग, टीवी वॉचिंग आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, बट क्या देखा उसने, टीवी देखा. टोटल टाइमिंग, टाइम ऑफ टीवी वॉचिंग, उसने टीवी देखने का टोटल ये टाइम है, टोटल टाइम ऑफ टीवी वॉचिंग 85 मिनट्स. और डोंट फॉरगेट टू राइट हियर मिनट, 85 मिनट, गॉट इट. आउट ऑफ देम शी वॉच 30 मिनट्स डिस्कवरी, उसमें से उसने 30 मिनट क्या देखा, डिस्कवरी. ये डिस्कवरी एक चैनल है जहाँ पे नेशनल मतलब फैक्टर्स उसकी इंफॉर्मेशन दिखाते हैं, बर्ड्स, माउंटेन, ट्रीज, एनिमल्स. ओके, सो नीरा वॉच टीवी फॉर 30 मिनट्स ऑन डिस्कवरी. यस, हाँ, सो यू हैव टू डू माइनस, माइनस 5 माइनस 0 5 आ जाती, 8 माइनस 3 5, इट मीन्स मिनट आ जाती. डोंट फॉरगेट टू राइट मिनट, ये टाइम का मेजरमेंट है. सो 55 मिनट शी वॉच दैट जंगल बुक शो, जंगल बुक. Jungle Book. So this way you can write your answer like this. 55 minutes she watch, she मतलब मीरा क्या है, लड़की का नाम है, इसलिए हमें वहां पे she लेना पड़ेगा. She watch Jungle Book show. ओके, यम मीन्स मिनट्स. सो दिस वे वी कंप्लीटेड फर्स्ट एंड सेकेंड प्रॉब्लम. ओके, एंड लास्ट प्रॉब्लम आई एम गोइंग टू डू यू फॉर होमवर्क, दैट्स ऑल्सो वेरी इजी. आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट वी हैव टू डू इन दैट. ये आपने क्वेश्चन लिखा सेकेंड नंबर का, फिर उसके बाद आपने उसका ये आंसर लिखना है आपके नोटबुक में, क्योंकि बुक में जगह नहीं है, आपको आपको यहाँ पे नहीं करना है, बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा, आपको नोटबुक में सॉल्व करना है. सो सेकंड इज कंप्लीट. नाउ थर्ड, शीनाज आंट ब्रॉट अ बॉक्स ऑफ लीड पेंसिल. शीना की जो आंट है उन्होंने, शीना की जो आंट है, कैसे पढ़ना है, शीना, शीना की जो आंट है उन्होंने लीड पेंसिल का बॉक्स लाया, 4 रुपीज 32. कितने रुपीज का लाया, 32 का लाया. यू हैव टू अंडरलाइन दैट 32, रुपीज 32. शी ऑल्सो बॉट अ बॉक्स ऑफ कलर पेंसिल ऑफ रुपीज 58 का उन्होंने पेंसिल का, कलर पेंसिल का बॉक्स भी लाया. नाउ हाउ मच डिड शी स्पेंड इन ऑल, सारे मिला के उसने कितने स्पेंड किए, हाउ मच डिड शी स्पेंड. शी मीन्स शीना, शीना भी अभी लड़की का नाम है, आंटी का नाम है, इसलिए वापस शी आया. अगर बॉय होता तो ही आता. ओके, किसी जेंट्स का नाम होता तो ही आता. हाउ मच डिड शी स्पेंड इन ऑल, स्पेंड मतलब खर्चा करना, इन ऑल मतलब पूरा मिला के उसने कितना खर्चा किया. अगर पूरा मिला के कितना खर्चा किया ये पता करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस, क्या करना पड़ेगा, प्लस. थर्ड यू हैव टू ट्राई एट होम इन होमवर्क. Solve third problem.
आपको आता है तो देखो, नहीं तो फिर मैं समझा दूंगी। ओके, और इसमें क्या करना है, थर्ड में प्लस क्या करना है, क्या करना है थर्ड प्रॉब्लम में, प्लस करना है। गॉट इट? सो दिस वे वी कंप्लीटेड एक्सरसाइज 3.5। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू सी इन नेक्स्ट पीरियड। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।